डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से यहाँ स्कूल में आए और सेफली अपने घरों को जाए, झुंड में ना निकले बाहर। तो ये सब चीजें हमें प्रोटोकॉल को क्या करना है, फॉलो करना। अपने पास सैनिटाइजर रखना है, वाटर बॉटल रखनी है, लंच रखना है, बट शेयर नहीं करना। मूवमेंट नहीं करनी है, जितनी कम मूवमेंट होगी उतने ही हम सेफ रहेंगे। तो ये जो मूवमेंट्स है, जो टॉक्स है, वो हमें लेस रखें, क्योंकि हमारा तो टारगेट ही स्टडी के लिए है। और जो आपको जैसे पता है कि हम किस स्ट्रीम के हैं, हम साइंस स्ट्रीम को बिलोंग कर रहे हैं, तो साइंस स्ट्रीम में बच्चों जितनी थ्योरी हमारी इम्पॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिकल। तो जब तक हम प्रैक्टिकल्स को लाइवली कंडक्ट होते हुए नहीं देखेंगे, हमारे लिए वो कोई मायने नहीं है। आपने 11th में देखा होगा कि हमने कितने जॉयफुल तरीके से प्रैक्टिकल्स को किया था। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, चाहे वो बायो रही हो, चाहे वो केमिस्ट्री रही, चाहे वो फिजिक्स रही, हमने बहुत अच्छे से जो है उनको कंडक्ट किया और आपने भी प्रोटोकॉल का पालन किया। तो अभी हमें वैसे ही करना है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट लेकर के बैठे हैं उसके लिए 1-to-1 होना बहुत जरूरी है। तो जो फिजिकल मैनर में हमारी स्टडी होती है, वो ऑनलाइन मुझे लगता है उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इफेक्टिव ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।